ओके गुड। चले जी हम शुरू करते हैं जी अपना लेक्चर। मेरा बेटा बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें। ओके फरीद, ये मेरा बेटा आज ही मैं अपलोड करवा के जाऊंगा, ठीक है? वो ऐसे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तला रिकॉर्डेड में शो नहीं होता मेरा बेटा। थ्रिफ्टी सबाहत, थ्रिफ्टी का मतलब फ्रूगल, केयरफुल, ठीक है? मेरे पास वो उधर पड़ी हैं, ये वाइट बैग के अंदर, वो चेयर पे पड़ा। चले जी, वॉन्डरिंग का मतलब होता है मूविंग, वॉकिंग एमलेसली। खालिद, चले जी हम शुरू करने लगे हैं। किताबें मेरा बेटा खोल लें जी। ऑफ द बॉयज हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडेमिक बाउंड्री, वो बच्चे जो फितरती, जो तालीमी हद है उसको अबूर नहीं कर पाते, एकेडेमिक एजुकेशनल। एजुकेशनल बेटा, अगर आपके पास कायदे आजम है तो आप कायदे आजम प्रिपेयर कर लेना। ऑफ द बॉयज हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडेमिक बाउंड्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर। कैरियर का मतलब प्रोफेशन। तो लड़के जो अपने कॉलेज की जिंदगी के दौरानिया में अपनी फितरी तालीमी सरहद तक रसाई हासिल नहीं कर पाते, बट हु फेल टू गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है कामयाब होना, सक्सीड। गेट थ्रू, सक्सीड, कामयाब होना, और वो पास होने में, कामयाब होने में नाकाम हो जाते हैं। देर आर टू मेन क्लासेस। तो नाकाम होने वाले बच्चों की दो इकसाम हैं। दोज हु ट्राई, एक किस्म जो कोशिश करते हैं पढ़ने की, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और एक किस्म वो जो कोशिश ही नहीं करते। तो जो कोशिश ही नहीं करते उनका तो फेल होना समझ आता है, लेकिन जो कोशिश करते हैं, बाहर लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड। मेक गुड का मतलब होता है इस डू वेल, बेहतर करना। मेक गुड, डू वेल। कुछ बच्चे, मैनी बॉयज, सॉरी, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बड़ी संजीदगी से कोशिश करते हैं कामयाब होने की, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, और उनके अंदर फितरती सलाहियत भी होती है। नेटिव का मतलब होता है इननेट या इनबोर्न, फितरती, नेटिव, इनबोर्न, ठीक है, या इननेट, कुदरती सलाहियत। अल्लाह ने उनके अंदर ये सलाहियत भी रखी होती है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, सलाहियत। ये मेरा बेटा लिख लिया करो, ये दोबारा फिर जब कभी भी आपने पढ़ने होंगे तो आपको ये वर्ड दोबारा नहीं लिखने पड़ेंगे। बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क, लेकिन वो बच्चे जिनके लिए एक डेस्क पर, एक कुर्सी पर बैठना उनको बड़ा ही नामुमकिन लगता है। देखें, एक लाइक बच्चा है, उनके अंदर अल्लाह ने यह सलाहियत भी रखी है, अकल भी है कि अगर वो मेहनत करे तो कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके अंदर यह चीज मौजूद नहीं है कि वो बैठकर मेहनत करे, पढ़ाई कर सके, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड, और उन कामों पर तवज्जो दे सके जो काम उसे दिए गए हैं। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है फोकस, कॉन्सेंट्रेट, फोकस, और जो काम उन्हें दिए गए हैं, तजवीज किए गए हैं, उस पर वो फोकस कर सके, उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती। सलाहियत है, अकल है, लेकिन मेहनत करने की सलाहियत उनके अंदर नहीं होती। देर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी। तो एक ये वो वैसा बच्चा है जो पढ़ने के लिए बैठता है, ओपन हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम शुरू करे, सेज टू हिमसेल्फ, वो खुद ही सोचता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अपनी पेंसिल को पहले तराश लूँ। इट नीड्स इट बैडली, बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है पेंसिल तराशने की।
एंड व्हेन ही हैज शार्पनड इट, और जब वो अपनी पेंसिल तराश लेता है, ही ऑब्जर्व्स, वो देखता है दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, कि उसकी तो तमाम पेंसिलों को तराशने की जरूरत है, तो फिर वो जो है वो अपनी सारी पेंसिलें जो है वो तराशने लग जाता है। सिद्रा, ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, हम वो पढ़ रहे हैं। एंड सो ऑन, और फिर इस तरह, अनटिल हिज टाइम इज गॉन, हत्ता कि उसका सारा वक्त जाया हो जाता है, एंड नथिंग हैज बीन डन, और कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। नर्वस का मतलब एसाबी, ठीक है, नर्वस इसे हम कह सकते हैं न्यूरोटिक, ज़हनी, ठीक है। इस तरह की जो असाबी अदात हैं, दे आर नॉट ईजी टू अपरूट। अपरूट का मतलब होता है रिमूव, एलिमिनेट, खत्म करना, रिमूव, एलिमिनेट। इस तरह की ज़हनी असाबी अदात को खत्म करना आसान नहीं है। एंड सो फार एज आई कैन सी, और राइटर कहता है जहां तक मैं, मेरा ख्याल है, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। इरेडिकेट का भी मतलब यही होता है रिमूव, एंड, टर्मिनेट। ये अदात खत्म नहीं की जा सकती बाय एनीवन, किसी भी की तरफ से, बट द बॉय हिमसेल्फ, माँ सिवाय खुद बच्चे के। कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो राइटर कहता है कि उसका दिल लगाने के लिए हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता माँ सिवाय, जब तक कि वो बच्चा खुद ना सोच ले कि अब उसे मेहनत करनी है, अब उसने काम करना है। अदर्स कैन सी द डिफिकल्टी, बाकी लोग जो हैं उसकी इस परेशानी, इस मुश्किल का जो है वो उसकी निशानदेही कर सकते हैं, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर। टेक बाय द कॉलर का मतलब होता है खुद एहतसाबी करना, लेकिन बच्चे को खुद से ही अपना जो है वो एहतसाब करना चाहिए। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट, और अपने अंदर वो पैदा कर ले। कल्टिवेट का मतलब डिवेल्प, कल्टिवेट, डिवेल्प, और वो अपने अंदर पैदा कर ले क्या, अ पोइज। पोइज का मतलब होता है कंपोजर, डिग्निटी, कंपोजर, और अपने अंदर एक ऐसी पुरसकून हालत पैदा कर ले, एंड काम, दैट स्मॉदर्स द फिजट्स, जो उसकी बेचैनी का गला घोंट दे। ये वैसे फिजटिंग का मतलब होता है खारिश होना, समोदर का मतलब होता है खारिश को ख़त्म करना। तो उसके अंदर जो बेचैनी है उसको वो ख़त्म कर दे, तो वो ये बच्चा खुद ही अपने अंदर एक ऐसी आदत डिवेलप करे, एक ऐसा पीस ऑफ माइंड डिवेलप करे, कि ये जो बेचैनी है कि जब मैं बैठूंगा, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं, अच्छा वो कर लेता हूं, ये कर ले। वो कहता है कि इन आदात को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, बाकी लोग सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं कि देखो बेटा तुम्हारा ये इशू है, तो तुम फोकस करो, तुम मेहनत करो। अब वो बच्चा ये मेहनत करने की जो आदत है ये खुद ही अपने अंदर जो है वो पैदा कर सकता है, और कोई जो है वो पैदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक वर्ड है समोदर, समोदर का मतलब होता है सफोकेट, गला घोंटना, ठीक है, इसे स्ट्रेंगल भी कहते हैं। एक हमारे पास वर्ड है फिजट, फिजट का मतलब होता है फस, ठीक है, या इसे हम कहते हैं रेस्टलेसनेस, बेचैनी। तो उसके अंदर जो बेचैनी है उसको वो खुद ही खत्म कर सकता है। Until he does this, तो जब तक वो बच्चा ऐसा नहीं करता, he does not really try, तो वो सही मानों में पढ़ाई करने की, कामयाब होने की कोशिश नहीं करता। Although he thinks he is trying, अगरचे कि उसे लगता है कि वो मेहनत कर रहा है, and often spends more time in the presence of an open book, और ज़्यादातर वो एक खुली किताब के सामने कहीं ज़्यादा वक्त गुजारता है, than many a boy of equal ability, बजाय उन बच्चों के बहुत सारे जो उतने ही काबिल होते हैं, who does good work, लेकिन वो थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। तो दो बच्चे एक ही जितने लाइक, लेकिन एक बच्चा जो है वो मेहनत नहीं करता, वो किताब खोल के पढ़ता नहीं है, दो घंटे उसने किताब खोल के बैठा रहा, अकेडमी भी चला गया। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा जो एक घंटा उसने किताब खोली और वो उसने फोकस होकर पढ़ा, तो इसमें से किसने अच्छा काम किया है?
तो लिहाजा वो जिसने कम टाइम में फोकस होकर पढ़ा उसने ज्यादा उसने जो है वो ज्यादा अच्छा काम किया है। तो वो कहता है कि ये आदत बच्चे को खुद ही कम जो है वो अपने अंदर खत्म करनी पड़ेगी। अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज अ मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। वो कहता है कि नाकामी की वजूहात में से एक आम वजह यह है कि माँ बाप जो है वो बच्चे के बारे में एक गलत अजम एक गलत एम जो है वो रख लेते हैं कि बच्चा पैदा हुआ बस ये तो जो है वो डॉक्टर ही बनेगा। मिस्टेकन का मतलब रॉन्ग। फॉल्स। तो वो कहता है कि नाकामी की एक आम वजह यह है कि माँ बाप बच्चे के बारे में एक गलत ख्वाहिश पैदा कर लेते हैं। मोर ऑफ्टन देन आई शुड विश आई फाइंड अ बॉय हु इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क। और वो कहता है कि अक्सर औकात मैंने ऐसा बच्चा देखा कि जो अपने काम के अंदर दिलचस्पी नहीं लेता एंड हु इज नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन और वो जरा बराबर भी ये कोशिश नहीं करता कि वो अपने काम को बेहतर तरीके से मुकम्मल कर सके। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है दूसरों से इंप्रूव करना, ठीक है, एक्सीलेंस, डिस्टिंक्शन, एक्सीलेंस। वो दूसरों से इम्तियाजी हैसियत हासिल करने की जरा बराबर भी कोई भी कोशिश नहीं करता and who is not trying to do it with any distinction because he is following a direction. वो इसलिए ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा होता है mapped out by his parents, वो रास्ता जो उसके माँ बाप ने उसके लिए चुना है। mapped out का मतलब होता है planned, chalked out, mapped out, chalked out या फिर planned, ऐसे रास्ते पर जो उसके माँ बाप ने उसके लिए चुना है। तो अब वो रास्ता उसका नहीं है। मैंने आपको पहले भी इसको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि अब अगर उसे जबरदस्ती आप एफएससी करवाने लग जाएंगे, वो एफएससी नहीं करना चाहता, वो एफए करना चाहता है। फिर एफएससी में मेहनत करेगा नहीं करेगा, वो कहेगा मैं तो गलत रास्ते पर चल रहा हूं। दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट। और वो रास्ता जो उसकी तमाम दिलचस्पियों एंड एबिलिटीज और उसकी सलाहितों से बिल्कुल बरअक्स है। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, काउंटर ऑपोजिट। तो जब वो उस रास्ते पर चल रहा है जो रास्ता उसके ख्वाहिशात के अगेंस्ट है, तो वो कभी भी फिर उस रास्ते पर चलते हुए मेहनत नहीं करता। I have made a number of very warm enemies. तो राइटर कहता है कि मैंने अपने कई जानी दुश्मन बना लिए among the parents of college students, अपने college के students के माँ बाप के दरमियान में, by telling them, जब उनके माँ बाप को मैंने ये बताया that I am certain कि मुझे पूरा यकीन है that the good Lord never intended their son to be a physician, कि खुदा ने कभी नहीं ये चाहा कि बस आपका बच्चा डॉक्टर ही बन के रहेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं बन सकता, और अ डेंटिस्ट या फिर दंदान सास, और एन इंजीनियर या फिर कोई इंजीनियर। तो वो माँ बाप मेरे मुखालफ हो जाते, ठीक है। इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा करना। ये मैं इधर लिख रहा हूं इस साइड पे, इंटेंडेड प्लैंड, ठीक है, डिजाइंड, ये दोनों ये मैं अब साइड पे हो रहा हूं ताकि आप ये पूरा बोर्ड देख सकें और इस बोर्ड पर जितने वर्ड्स लिखे हैं इसकी आप पिक्चर ले सकें, या आपने इसको साथ साथ नोट कर लिया होगा। जी ओके बेटा, ये अब तक हमने जो है वो इस चैप्टर के 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं और उम्मीद करता हूं कि ये आप इसमें से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं, फिर उससे आगे हम मूव करते हैं। जी ऑलराइट, थैंक यू सो मच बच्चों कि आप नोट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अब बड़े काम आएंगे आपके जब आपने अपने पेपर के करीब
इरेडिकेट, देखो बेटा मैंने बताया इरेडिकेट का मतलब ये होता है रिमूव, एलिमिनेट, ठीक है। या चले मैं इधर लिख देता हूं, ये मैं इस साइड पे लिख रहा हूं, अगर आपको बोर्ड नजर आ रहा है तो इरेडिकेट मानी टर्मिनेट, रिमूव, एलिमिनेट, एंड, खत्म कर देना। ये सारी चीजें इरेडिकेट, अपरूट, रिमूव, एलिमिनेट, टर्मिनेट, एंड, स्टॉप, इन सब का एक ही मतलब है। चले अब मैं इस बोर्ड को रिमूव कर रहा हूं। यहां से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे ये हमारा चैप्टर। खालिद, वॉन्डर का मतलब है रोम्ड, आर ओ ए एम ई डी, रोम का मतलब होता है आवारा गर्दी करना, घूमना फिरना। चलें अब हम आज कुछ ईडियम साथ कर लें। आज जो हम ईडियम्स करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले है बैड ब्लड, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं। बैड ब्लड का मतलब होता है रंजिश होना, ठीक है। तो देर इज नो बैड ब्लड बिटवीन द फ्रेंड्स एनी मोर। ओहो, अब दोस्तों के दरमियान कोई रंजिश नहीं रही, तो इसका मतलब कोई लड़ाई थी तो सुलह हो गई, तो सुलह हो गई तो बैड ब्लड जो है वो रंजिश खत्म हो गई। अगला हमारे पास इडियम है बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है ऐसा कर्ज जो वापस ना हो। आपने किसी को पैसे दिए, तलहा, इसीलिए मेरा बेटा जो मिल जाए वो वहां से कर लिया करो, जो ना मिले वो लिख लिया करो साथ, ठीक है। मैं आपको वो idioms करवाऊंगा जो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि जो idioms आपको यहां पर क्लास में हम इस सेशन के अंदर करेंगे वो उन्हीं में से जरूर आपको पेपर के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पेपर के अंदर जो है वो कोई और आ जाए। तो अगर आपको अपनी बुक में मिल जाए तो गुड है, अगर ना मिले तो नोट कर लिया करो साथ। बैड डेट का मतलब कर्जा दिया, अब वापस आने के कोई चांस नहीं, ऐसे कर्जे को क्या कहते हैं, बैड डेट, ठीक है। He will not pay you back, semicolon, it is a bad debt. वो अब तुम्हें पैसे वापस नहीं करेगा, समझो। अच्छा क्या फॉल्स हुआ था, अच्छा बेटा मैं देखता हूं, अब समझो कि ये ऐसा कर्ज है जो तुम्हें वापस नहीं मिलना। अच्छा जी, अगला है हमारे पास बैड एग। बैड एग का मतलब होता है बेकार शख्स, शख्स कैसे लिखते हैं, ऐसा इंसान जो किसी काम का नहीं, ठीक है। बैड एग, आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज ए बैड एग। मैं उसे इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि वो एक गंदा अंडा है। ये मतलब नहीं है, बैड एग का मतलब क्या है, बेकार शख्स, किसी काम का ना होना, ठीक है। ऑलराइट, आगे जी एक और इंपॉर्टेंट इडियम आ रहा है, वो है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है साजो सामान समेत, अपने सारे सामान समेत। इस ईडियम के अंदर ये मैंने खुद पेपर में चेक किया हुआ है, तकरीबन 90% बच्चे गलतियां करते हैं। वो क्या गलतियां करते हैं, अभी आपको समझाता हूं। ही लेफ्ट द हाउस
बैग एंड बैगेज, उसने अपने साजो सामान समेत घर छोड़ दिया। अब देखें ये बैग एंड बैगेज का मतलब होता है समेत। बच्चे क्या करते हैं कि वो समझते हैं शायद के साथ के लिए हमें यहां पर विद भी लगाना चाहिए, ही लेफ्ट द हाउस विद बैग एंड बैगेज। तो ये विद जो है ये गलत हो जाता है, हमने विद नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि विद का मानी इसी idiom के अंदर आ गया है के साथ समेत। तो फिर ये आपने इसी तरह सेंटेंस लिखना जैसे मैंने आपको यहां पर लिखवाया है, ही लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज, उसने अपने साजो सामान समेत घर जो है वो छोड़ दिया। विद नहीं लगाना, विद नहीं लगाना, ये याद रख लो ब्राय मेहरबानी, गलती ना करना। He left the city bag and baggage. He left the train bag and baggage. शहर साजो सामान, ट्रेन साजो सामान समेत, विद नहीं आएगा। बस ये गलती मेरा बेटा आप ना करना आप कभी। चलें जी, हाँ जी, ये इंशाल्लाह अब जो है वो एक दो दिन के अंदर हम जो है वो कोशिश करेंगे कि जैसे हमने idioms पढ़े हैं दो तीन दिन, तो साथ में दो तीन दिन हम preposition करें, ठीक है ना। तो कल भी हम जो है वो अपना idioms पढ़ेंगे, तो परसों इंशाल्लाह जो है वो हम idiom की जगह preposition करेंगे। तो आपने मुझे याद करवा देना कि सर आज preposition है, तो मैं आपको कुछ preposition की exercises भी start करवा दूंगा, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह जो exercises यहाँ पे करेंगे वही प्रपोजिशन पेपर के अंदर आएंगे, ना है तो फिर जो मर्जी कहना आप। जी जी, मैं अभी बेटा वो अपलोड करवा दूंगा जी ड्राइव में, डोंट वरी। आज टेस्ट नहीं है, मैंने इसलिए नहीं रखा कि कल आपने इतना बड़ा टेस्ट दिया था तो जरूरी नहीं था कि आज भी हम टेस्ट रखते, तो चलें कुछ थोड़ा रिलैक्स भी साथ साथ चला करें, ठीक है। कोटेशन बेटा इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा मैं, ये भी ड्राइव के अंदर भेज दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे जो हमने प्रीवियस वीक में पढ़ा था वो था माय हीरो इन हिस्ट्री। अच्छा ठीक है खालिद, चले कोई बात नहीं, एक आधा गलत हो जाता है, लेकिन ये बात अच्छी है कि आपने मुझसे पूछ लिया, अब आपका क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि देखो वॉन्डर का मतलब रोम होता है, गेज्ड नहीं होता, ठीक है। तो टाइप करते हुए फीड करते हुए कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो माफ कर दिया करें। बच्चे जो है ना वो बड़े तेज है, कहते हैं जी बस कोई गलती ना हो, परफेक्शन हो। तो परफेक्शन जो है वो इंसानों का सूट ही नहीं का, हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते, छोटी मोटी मिस्टेक्स मेरा बेटा हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, तो लिहाजा लेट्स ट्राई टू लिव विद इट। लेकिन ये बात अच्छी है कि आपने टेस्ट टाइम बहुत ज्यादा था बेटा, नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 20 मिनट का होगा, 10 मिनट का नहीं होगा, 20 मिनट का होगा, वो इसलिए ताकि आपको लगता है ज्यादा था लेकिन ज्यादा नहीं था। अभी आपने चीजें पढ़ी हैं आप फौरन कर लेते हैं, लेकिन आप ट्रेन हो जाएं कि पेपर में आपने 20 MCQs जो हैं वो 20 मिनट में करने, उससे पहले सब्जेक्टिव पेपर ही नहीं मिलना आपको, 30 मिनट होते हैं लेकिन वो 20-25 मिनट में सब्जेक्टिव देना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उसी पैटर्न पर रहें। ईशा कह रही फुल नंबर आते कितना अच्छा लगता, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों के जो है वो नेक्स्ट में फुल आएंगे, डोंट वरी। फर्स्ट मंथली टेस्ट सिलेबस बेटा ये जब हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे होंगे तब हम डिसाइड करेंगे, अभी हम देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि जितना पढ़ा सारा ही, जो आप लोग कंफर्टेबली प्रिपेयर कर सकेंगे हम उतना ही टेस्ट रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। चलें जी, अब मुझे इजाजत दें इंशाल्लाह, फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लेक्चर के बाद अपना फीडबैक जरूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।